हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11, आई एम बैक विद द वीडियो ऑफ योर कोर्स बुक। मैं आपकी कोर्स बुक हॉर्नबिल की सीरीज में थर्ड चैप्टर आज लेने वाली हूँ। फर्स्ट चैप्टर द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी बाय खुशवंत सिंह, मैं प्रीवियस वीडियो में आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। आई होप यू हैव गॉन थ्रू विद दैट। टुडे आवर चैप्टर इज डिस्कवरिंग टूट, द सागा कंटिन्यूज बाय A.R. विलियम्स। लेट्स स्टार्ट विद द समरी। तो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट विद अ समरी। सम इंफॉर्मेशन अबाउट द लेसन इज द एम्परर्स ऑफ एंशियंट इजिप्ट वर नोन एज फैराओज। दे हैड अ वास्ट एम्पायर एंड इनॉर्मस गोल्ड। दे बिलीव्ड इन आफ्टर लाइफ। दे ममीफाइड द डेड बॉडी ऑफ द किंग एंड बरीड इन अ टोम। वो एंशियंट फैराओज, एंशियंट इजिप्ट के जो एम्परर्स थे वो फैराओज कहलाते थे, और उनका एम्पायर बहुत बड़ा था, उनके पास बहुत पैसा था, बहुत गोल्ड था, और वो आफ्टर लाइफ में विश्वास करते थे। और जब किसी राजा की डेथ हो जाती थी तो उसको ममी, उसकी डेड बॉडी को ममीफाइड करके टूम में दफना दिया करते थे। मोस्ट ऑफ द एम्परर्स बिलोंगिंग्स, क्लोथ्स, पर्सनल इफेक्ट्स, ऑर्नमेंट्स एंड थिंग्स ऑफ डेली नीड वर ऑल्सो बरीड इन द टूम। उसकी रोज़मर्रा के जीवन की जो ज़रूरतें थीं उससे संबंधी सामान भी उस टूम में उसके साथ रख दिया जाता था, बिकॉज दे बिलीव्ड के आफ्टर लाइफ में ये सब चीज़ें उसके काम आएंगी। ऑल दिस वॉज डन सो दैट द एम्परर कुड यूज़ दोज थिंग्स इन हिज आफ्टर लाइफ। तूतन खाने वॉज द लास्ट ऑफ द रूलिंग डेनेस्टी। अपनी डेनेस्टी का लास्ट रूलर था तूतन खाने। ही डाइड वेरी यंग, Only 9 years after he came to the throne. A British archaeologist named Howard Carter searched the investigated Tut's tomb in 1922. Tut's, ये जो story है वो जो last emperor रहा Tut, उसकी mummy के ऊपर discovery की उन्होंने, ताकि वो Tut के बारे में, और Tut is a short form of Tutankhamun, जिस एम्परर की मैंने अभी आपसे बात की, ये उसका शॉर्ट फॉर्म है। और टुट की मम्मी को कार्टर ने अपनी उसके कॉफिन से निकाला और उसके ऊपर डिस्कवरी की। द बॉडी हैड बीन प्लेस्ड इन अ कॉफिन ऑफ सॉलिड गोल्ड। द रेजिन्स हैड हार्डन्ड एंड सो द बॉडी, जो उसके साथ में रेजिन्स डाले हुए थे वो हार्ड हो चुके थे और बॉडी भी हार्ड हो चुकी थी। एंड That's why it had to be cut and removed in parts. इसलिए कार्टर को उस पर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए उस बॉडी के पार्ट्स को कट करना पड़ा। Then it was reassembled and put in the resting place. फिर उसको रिसेंबल करके उसकी रेस्टिंग प्लेस में, यानी वापस उस कॉफिन में डाल दिया गया। This chapter is meant to show readers the beauty and mystery of ancient इजिप्शियन कल्चर। ये चैप्टर हमें एक झलक देता है इजिप्शियन कल्चर और उसकी ग्लोरी के बारे में। साथ ही साथ ये हमें साइंस और वंडर ऑफ आर्कियोलॉजीज के बारे में भी बताता है कि आर्कियोलॉजी से हमें इतिहास को जानने में किस तरह हेल्प मिलती है। दिस इज़ अ लिविंग एग्जाम्पल ऑफ टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट। एक्चुअली इस स्टोरी में जब हम ये देखते हैं कि तूतनखाने की मम्मी को उसकी कब्र से निकाल कर उसके ऊपर साइंटिफिकली एक्सपेरिमेंट्स किए गए या उनसे जानने की कोशिश की गई, तो वो हमें टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट की एक अच्छी झलक देता है। द मॉडर्न वर्ल्ड हैज़ टर्न्ड इम्पॉसिबिलिटीज़ टू पॉसिबिलिटीज़। विलियम्स रिपोर्ट गिव्स अस एन इनसाइट इनटू दिस। विलियम कार्टर नाम का जो आर्कियोलॉजिस्ट था, इसने जब सबसे पहले 1922 में टुट की बॉडी के ऊपर एक्सपेरिमेंट्स किए और उससे जानने की कोशिश की उसकी हिस्ट्री के बारे में। अ ममी स्कैंड आफ्टर थाउजेंड्स ईयर हैज ओपन न्यू एवेन्यूज रिगार्डिंग अ कॉज ऑफ हिज डेथ। उस स्कैनिंग से ये पता चलाने की कोशिश की गई कि उसकी डेथ, क्योंकि टुट जो है वो बहुत कम एज में, बहुत अर्ली एज में उसकी डेथ हो गई थी, लेकिन ये आज तक रहस्य है कि उसकी डेथ किस वजह से हुई, किन सर्कमस्टेंसेस में हुई। इसीलिए उसकी मम्मी को निकाल करके उन सर्कमस्टेंसेस के बारे में जानने की कोशिश की गई थी, और इस रिसर्च से कुछ झलक मिली कि शायद ऐसा रहा हो।
ये assumptions लगाए गए. द मम्मी रेफर्ड टू हेयर दैट ऑफ किंग टूट एंड और तूतन खानिम. ये जो मम्मी है वो तूतन खानिम की है. मीनिंग द लिविंग इमेज ऑफ अमून. अमून जो है वो एक शासनकाल था, एक अर्लियर रूलर रहा अमन थेप नाम का, जिसने कि अमन नाम के एक गॉड को एक सिटी से पूरी तरह वैनिश कर दिया. उसकी प्रतिमाएं, ये यानी मूर्तियां और उसके बारे में जो उसकी इमेजेस थीं वो सारी ख़त्म करके, उसके टेंपल्स को ख़त्म करके अपने आप को ही गॉड साबित कर दिया. हिज फैमिली हैज रूल्ड सेंचुरीज बिफोर द बॉय किंग. उसकी फैमिली में ही ये जो बॉय किंग है यानी कि तूतन खानिम वो पैदा हुआ और उसकी जो एंसेस्टर्स थे उन्होंने बहुत काफ़ी सेंचुरीज तक उस देश पे शासन किया. टुक ओवर, उसके बाद तूतन खानम ने शासन संभाल लिया. हाउ एवर टुट रूल्ड फॉर 9 ईयर्स एंड देन डाइड. वो केवल 9 साल तक ही शासन कर सका और उसके बाद उसकी डेथ हो गई मिस्टीरियसली एंड अनएक्सपेक्टेडली. यानी वो आज तक मिस्ट्री है और उसकी डेथ अनएक्सपेक्टेड थी, जो कोई नहीं जानता था कि इतनी कम उम्र में उसकी डेथ हो जाएगी. द स्कैनिंग ऑफ टुट्स मम्मी ऑल्सो गिव एन इंसाइट एज टू हाउ ममीज वर बरीड. जो ममीज बनाई जाती थी उनको किस तरह बरी किया जाता था उसके बारे में भी हमें इससे जानकारी मिलती है. हॉवर्ड कार्टर हु स्कैंड द बॉडी फाउंड इट डिफिकल्ट टू एक्सट्रैक्ट द ममी. द रिचुअल रीजन्स हैड हार्डन्ड देयर बाय सीमेंटिंग टुट ऑफ द बॉटम ऑफ सॉलिड गोल्ड कॉफिन. जो रीजन्स थी वो सॉफ्ट होती हैं लेकिन वो हार्ड हो चुकी थी और उसके कॉफिन में बिल्कुल बॉटम में पड़ी हुई थी. कार्टर फाइनली हैड टू चिजल द मम्मी अवे हैविंग नो अदर ऑप्शन. उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं था इसलिए उसने उस बॉडी को काट लिया. एवरी मेजर पॉइंट वॉज सीवर्ड. हर मेजर पॉइंट पे उसने ध्यान दिया. टुट वॉज बरीड विद गोल्ड विच वॉज मेंट टू गारंटी द रिक्रिएशन एंड वॉज ऑल्सो बियॉन्ड ग्लिटरिंग गुड्स. प्रीशियस कॉलर्स, नेकलेस एंड सैंडल्स ऑल ऑफ प्योर गोल्ड. तूतन खानम की कब्र में उसके साथ गोल्ड से बनी हुई सारी चीज़ें जो उसको ज़रूरत की थी वो वहाँ मौजूद थी. द कंप्यूटेड टोमोग्राफी स्कैन मीन्स सी टी स्कैन कुडंट सॉल्व द मिस्ट्री ऑफ डेथ ऑफ टुट बट गेव अस अ क्लूज फॉर श्योर. उसकी बॉडी को सीटी स्कैन किया गया लेकिन उसकी मिथ जो डेथ की मिस्ट्री थी वो तो सॉल्व नहीं हुई, लेकिन हम कुछ अजम्पशंस लगा सके कि शायद ऐसा रहा हो या शायद ऐसा रहा हो जिसकी वजह से टुट की डेथ हुई. द एक्सरेज एंड सीटी स्कैन रिवील अ स्टार्टलिंग फैक्ट. द ब्रेस्ट बोन एंड द फ्रंट रिब्स ऑफ टुट वर मिसिंग. इन डिस्कवरीज से ये सामने आया कि उसकी बैक बोन और उसकी फ्रंट बोन यानी रिब्स की कुछ पार्ट गायब हैं. सच अ रेवोल्यूशन वुड नॉट हैव बीन पॉसिबल विदाउट टेक्नोलॉजिकल प्रिसिशन. ये डिस्कवरी टेक्नोलॉजी के बगैर पॉसिबल नहीं थी. दिस फैक्ट गिव अस अ क्ल्यू दैट टुट इन ऑल लाइकलीहुड डिड नॉट डाई अ नेचुरल डेथ. वो एक नेचुरल डेथ नहीं मरा था. टेक्नोलॉजी हैजंट बीन एबल टू गिव अस अ डेफिनेट आंसर टू टुट्स डेथ. हाउ एवर इट हैज़ गिवन a direction to think and proceed. Maybe in future technology would solve it for us. The whole excavation and scan required sources of people. Is sabhi jo discovery ki gayi us dauran wahan pe kuch log maujood the. It was grueling job and workers had a tough time. Ye bahut mushkil job tha aur बहुत मुश्किल समय रहा उन लोगों के लिए भी जो उस डिस्कवरी में शामिल थे. आफ्टर द फारो वॉज रेस्टेड इन द पीस अगेन. उसके बाद उस फारो की डेड बॉडी को, मम्मी को वापस उसी ताबूत में रख दिया गया. जही हवास सेक्रेटरी जनरल ऑफ इजिप्ट सुप्रीम काउंसिल ऑफ एंटीक्स. सुप्रीम काउंसिल ऑफ एंटीक्स इजिप्ट के जो जनरल सेक्रेटरी थे जही हवास, उनका कहना है आई डिडंट स्लीप लास्ट नाइट. मैं पिछली रात सो नहीं पाया. नॉट फॉर अ सेकेंड आई वॉज वरीड बट नाउ आई थिंक आई विल गो एंड स्लीप. वो कहते हैं कि उस रात में सो ही नहीं पाया लेकिन अब मुझे लगता है मैं शांति से जाके सो सकता हूँ. इट जस्ट प्रूव्स हाउ टफ द होल प्रोसेस वॉज. इन अदर वर्ड्स किंग टुट इज वन ऑफ द फर्स्ट ममीज टू बी स्कैंड इन डेथ एज इन लाइफ.
ये पहली ममी है जिसको टेक्नोलॉजी के आधार पे छानबीन करने की कोशिश की गई. ही वॉज फेमस वैन ही वॉज अलाइव एंड हिज अनटाइमली डेथ हैज़ रेज्ड द नेसेसिटी टू प्रूव द लिगरिंग मिस्ट्रीज ऑफ द यंग रूलर हु डाइड मोर दैन 3,300 ईयर्स अगो. तो स्टूडेंट्स, दिस वॉज अ समरी फॉर अ चैप्टर. चैप्टर के दौरान कुछ चीज़ें जो समरी में एक्सप्लेन नहीं की गई हैं, आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन नाउ. टूट की जो मम्मी है वो सेकेंड टाइम निकाली गई थी 5 जनवरी 2005 को, और इस पे शोध किया था विलियम्स ने. एंड एट दैट टाइम व्हेन द मम्मी वॉज टेकन आउट फ्रॉम द कॉफिन, एंग्री विंड्स ब्लू एज किन टुट्स बॉडी वॉज टेकन आउट ऑफ द बरियल प्लेस. ऐसा माना जाता है कि टुट की बॉडी के ऊपर, उसकी मम्मी के ऊपर एक कर्ज था कि जो भी उसको बाहर निकालेगा वो अपना शापित जीवन जिएगा, एक कर्ज फुल लाइफ जिएगा. तो वो जो स्टॉर्मी विंड्स थी वो इस बात को शो करती हैं कि उस मम्मी के ऊपर एक कर्ज था. एंड टुट के फादर जो अमेंथेप फोर्थ थे, वो वही शासक थे जिन्होंने पूरी सिविल लाइफ डिस्टर्ब कर दी थी और रिलीजियस और सिविल लाइफ में एक डिस्टरबेंस क्रिएट किया था. उसके बाद टुट ने शासन की बागडोर संभाली थी. तो होपफुली आपको ये चैप्टर पूरा समझ में आ गया होगा, और इफ यू हैव एनी डाउट तो गो इन कमेंट सेक्शन. होपफुली आपने चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा, तो प्लीज लाइक एंड शेयर.